नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टेक न्यूज 24 को लेकर। तो टेक न्यूज से जुड़ी बहुत सारी अपडेट है हमारे पास, और वो भी आज की। तो वीडियो की इसी अपडेट को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो बढ़ते हैं अभी वीडियो की तरफ। पहली न्यूज निकल कर आ रही है, व्हाट्सएप के खिलाफ इंडिया के कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई थी। उसके ऊपर कोर्ट की दलील दी जा रही है कि उसका इसमें कोई मैटर नहीं है, एक सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं कर सकता है क्योंकि ये आपका निजी मामला है और हमने इसको मैंडेटरी नहीं कर रखा है कि व्हाट्सएप को आपको डाउनलोड करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है, इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आप यूज करें, अगर नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। और दूसरी बात रही कि मिनिस्ट्री की तरफ से व्हाट्सएप को एक लेटर भेजा गया था कि अपनी ये प्राइवेसी पॉलिसी को, जो भी इन्होंने नई चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको विड्रा कर लें। उसके ऊपर व्हाट्सएप का रिप्लाई आ गया है और उनका रिप्लाई ये आया है कि वो कुछ भी अपने पॉलिसीज में चेंज नहीं कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी बिल्कुल साफ सुथरी है, वो एक नेक बच्चे की तरह अपना बस काम कर रहे हैं, वो किसी से कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, ना ही वो आपका डाटा किसी से शेयर कर रहे हैं। तो पता नहीं अभी व्हाट्सएप ही जाने कि वो ऐसा क्या दलील और देना चाहता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक न्यूज की तरफ। नेक्स्ट टेक न्यूज की बात की जाए तो आईफोन 12 रखने वाले यूजर्स के लिए आईफोन की तरफ से, एप्पल की तरफ से एक बयान जारी किया गया है कि जिन लोगों का वीक हार्ट है या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उन्हें आईफोन 12 रखना थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, उनको थोड़ी सी सावधानियां यूज करनी पड़ेंगी। जब अपना फोन वायरलेस चार्जिंग के द्वारा चार्ज कर रहे हो तो थोड़ा सा उससे डिस्टेंस बना के रखें, और दूसरा उसको ऊपर वाली पॉकेट में रखने की बजाय नीचे वाली पॉकेट में रखें, वो ज़्यादा सेफ रहेगा क्योंकि उसका जो मैग्नेट है जिससे वो वायरलेस चार्ज होता है, उससे जो है हार्ट वाले मरीजों को थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है कि आने वाले टाइम में फेस करनी पड़े। तो ये एप्पल की तरफ से पहले ही वार्निंग दी गई है। ये बात अलग है कि उनकी वार्निंग जो है एप्पल 12 मार्केट में आने के बाद और कुछ लोगों के खरीदने के बाद दी जा रही है, लेकिन अभी एप्पल की तरफ से ये वार्निंग दी जा रही है। तो जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है वो थोड़ा एप्पल 12 समझ कर यूज करें, थोड़ा सा हार्ट से दूरी बना के रखें, नीचे वाली पॉकेट में रखें, ऊपर वाली पॉकेट में ना रखें, और जब वायरलेस चार्जिंग कर रहे हो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें फोन से, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक न्यूज की तरफ। नेक्स्ट टेक न्यूज निकल कर आ रही है, रियलमी K40 की सीरीज नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो सकती है, और उसमें बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं कि दो नए फोन K40 की सीरीज में रियलमी लॉन्च कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें फीचर किया जा रहा है दोनों फोन्स में 888 चिपसेट जो है स्नैपड्रैगन का यूज किया जा रहा है। तो K40 की सीरीज में आपको 888 चिपसेट वाला स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। और सेकेंड बात ये है कि इन्होंने भी अभी पहले एप्पल ने, फिर सैमसंग ने, फिर MI ने, और अभी रियलमी भी शायद इसमें आपको चार्जर ना दे। और ये रिपोर्ट जो है ये रियलमी की तरफ से ही निकल कर आ रही है कि रियलमी भी अपने फ़ोन से चार्जर गायब कर सकता है। कल ही मैंने कहा था कि ऐसा क्या है कि हमें अलग से चार्जर बाय करना पड़ रहा है, कंपनी साथ में चार्जर तक रिमूव कर रही है, ये कैसी, मतलब समझ में नहीं आ रहा कंपनियों की क्या प्लानिंग है, या फिर पैसा कमाने का एक जरिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ न्यूज की तरफ। आप क्या समझते हैं वैसे मेरी लाइन के ऊपर कि क्या ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है या कुछ नया जो ये चार्जर गायब कर रहे हैं बॉक्स में से। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज भी रियलमी C20 की है। कंपनी का फर्स्ट अफोर्डेबल हैंडसेट रहेगा ये 2021 का, जो कि अफोर्डेबल प्राइस इनका रहता है 15 से 20 हज़ार। तो मतलब कंपनी के हिसाब से एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन रहेगा C20। वैसे बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट लगभग सेम है C12 जो कि 2020 में आया होगा और कईयों ने बाय कर रखा होगा, तो उनको एक बात बता दें कि ऑलमोस्ट सेम है C20 जो है वो 2020 का जो मॉडल है उसका सेम है C11 का। और इसमें आपको देखने को मिलेगा MediaTek का हेलियो G35, साथ में आल्सो पावर C12 में भी सेम ही था, तो और साथ में है 6.5 इंचेस की डिस्प्ले। और एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास थी कि प्रोटेक्शन आपको साथ में मिल रही है, तो थोड़ा बहुत फ़ोन अगर गिर जाता है तो टेंशन नहीं लेनी है, फ़ोन आपका थोड़ा सा सेफ रहेगा, अगर हैंग हो गए तो टूट जाएगा, लेकिन अगर ऐसे गिर जाता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन आपका सेफ है। और साथ ही में
ऐसा ही C20 के एक लेवल का स्मार्टफोन सेम ये लॉन्च हो गया है वियतनाम में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक न्यूज की तरफ। नेक्स्ट टेक न्यूज है शोमी के MI Band 6 की। जी हाँ, उसको जो है ऑनलाइन कुछ लीक सामने आए हैं और वो ऑफर कर रहा है बिग डिस्प्ले, 1.1 इंच स्क्रीन की बिग डिस्प्ले रहेगी। तो आई थिंक बैंड जो है वो काफी बड़ा होने वाला है। और CPO2 का सेंसर इसमें इस्तेमाल किया गया है। एलेक्सा जो है वो भी ये सपोर्ट करता है, वो काफी अच्छी बात है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक न्यूज की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं, मतलब चलते हैं नेक्स्ट टेक न्यूज की तरफ। नेक्स्ट टेक न्यूज है गूगल का जो डिजाइन है वो गूगल फिर से एक नया डिजाइन लॉन्च कर सकता है। जी हाँ, जो आपके सर्च बार रहती है गूगल की, वहां पे एक डिजाइन रहता है जो कि काफी लंबे टाइम से एक पुराना डिजाइन है, लेकिन यूट्यूब अभी उसको रीडिजाइन कर सकता है। मोबाइल का जो गूगल का ऑप्शन है वहां पे एक डिजाइन रहता है, उसको वो एक नए डिजाइन के साथ आपके सामने पेश कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है OnePlus 9 एंड OnePlus 9 Pro, उसके कुछ लीक सामने आए हैं। अभी आपको बताते हैं कि वो लीक क्या है। तो OnePlus 9 के फीचर्स में लीक हुआ है 6.55 इंच की Full HD+ डिस्प्ले इसमें आपको मिलने वाली है। साथ ही में 120Hz का रिफ्रेश रेट स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। और सेकेंड लीक है कि ये Snapdragon 888 को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है SD888 और साथ ही में 6.78 इंचेस की Quad HD डिस्प्ले आपको मिलने वाली है 9 Pro में। और साथ में यहाँ पर भी 120Hz का रिफ्रेश रेट। जी हाँ, तो 9 में मिलेगा आपको 6.55 इंचेस की डिस्प्ले और वो रहेगी Full HD, और साथ ही में 9 Pro में आपको मिलेगी Quad HD डिस्प्ले जो कि रहेगी 2K डिस्प्ले, जो वो आपको मिलेगी 9 Pro में। और इसकी स्क्रीन बिग भी है थोड़ी, 6.78 इंचेस की। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक न्यूज की तरफ। और नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज है क्राफ्टन गेमर्स की तरफ से। जी हाँ, क्राफ्टन गेमर्स वही जो पबजी जिसने क्रिएट किया है, उसकी तरफ से दो नई गेम मार्केट में 2022 में आने वाली हैं। और ये दावा किया गया है क्राफ्टन गेमिंग की तरफ से, एक गेम रहेगी हॉरर के ऊपर और दूसरी सीरीज जो निकालेंगे वो गेम की वो रहेगी एनिमेटेड सीरीज। तो मजा आने वाला है, गेमिंग इंडस्ट्री में बदलाव आ रहे हैं। हमारी गेम भी कल लॉन्च होने वाली है, इसके लिए सभी का इंतजार है और लगता है कल सभी का इंतजार खत्म होने वाला है। देखते हैं कैसी रहेगी नई गेम और क्या रहेगा आने वाले कल में। इंडस्ट्री में कौन कौन सी गेम आती है, जो भी आती है आपके पास अपडेट पहुंच जाएगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए हो, कमेंट करें आपकी कोई भी राय या सजेशन, या आपका थोड़े से नफरत ही हो, आपको वीडियो अच्छी ना लगी हो, या कोई भी सलाह हो नीचे कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर चल रहा है गिव अवे, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।